ये कहानी है नैना और उसकी बहन गरिमा की। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गए थे। वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई, फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस तरह उसकी बहन को खोजा वो हम इस कहानी में सुनेंगे। चलिए तो कहानी को सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम सैम है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त तानिया, जो मेरी कैमरा वुमन भी है, मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम नैना बताया। उसने अपनी बहन गरिमा के गुम हो जाने की खबर हमें दी। चलिए अब हम उनसे लाइव आपको मिलवाते हैं। सैम ने कहा, हेलो नैना, मैं सैम बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो सके। नैना ने कहा, मैं और गरिमा हम दोनों सगी बहने हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों ही बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार को हमने कहीं लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया था। दोनों को जरूरी सामान लेकर हम अपने घर से निकल पड़े थे। सैम ने कहा, नैना क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम अपने साथ क्या लेकर गई थी और आप दोनों ने क्या पहना था उस दिन। नैना ने कहा, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया था और हम दोनों ही फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही वहां गए थे। फिर सैम ने पूछा, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहां पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी। नैना ने कहा, मैं आपको वो लोकेशन मेल के जरिए भेज देती हूँ। सैम ने कहा, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। नैना ने कहा, जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहां पर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी और हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद हो गई थी। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार मैं ड्राइव कर रही थी तो गरिमा ने नीचे उतरकर देखा कि आखिर गाड़ी को क्या हुआ है। गरिमा गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप किया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई गरिमा का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतर कर बाहर गई, लेकिन मुझे वहाँ गरिमा नहीं मिली। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतजार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज आप मेरी बहन गरिमा को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। सैम ने कहा, नैना प्लीज तुम रो मत, अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो, ताकि हम तुम्हारी बहन गरिमा को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सके। अच्छा तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि आखिर ये घटना किस वक्त हुई थी। नैना ने कहा, रात को ठीक 11 बजे। सैम ने फिर पूछा, नैना क्या तुम्हें किसी पर शक है, या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, या हो सकता है कि गरिमा तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो। नैना ने कहा, वहां पर तो पूरी तरह से सुनसान था, हमारे पास दूर दूर तक कोई भी नहीं था, और रही बात प्रैंक की, तो ऐसा मजाक गरिमा कभी नहीं कर सकती। फिर सैम ने कहा, देखो हम कल तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे और कल हम वापस इसके बारे में तुम्हें जानकारी देंगे जो भी हमें पता चलेगा। अगले दिन रात 9 बजे। अगले दिन की रात को मैं और तानिया दोनों ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर गरिमा गुम हुई थी। मैंने और तानिया ने ठीक तरह से सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए थे। काफी देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफी थक चुके थे। तानिया वापस लौटने के लिए कहने लगी, लेकिन मैंने उसे 11 बजे तक इंतजार करने के लिए कहा। हम दोनों को नींद भी आने लगी थी, लेकिन मैं बस वहीं पर खड़ा रहा और तानिया कार के सहारे खड़ी होकर सोने लग गई। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहां से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से तानिया को बुलाया, ध्यान से देखो यहाँ पर कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे पर नजर रखने लगे। हमें धीरे धीरे कुछ हमारे नजदीक आने की आवाज आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई।
और पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की पास खड़े उस पेड़ पर अपना सिर पटकने लगी। मैंने तानिया से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया, शायद वो बहुत डर गई होगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसे देखा और नैना के द्वारा भेजी गई तस्वीर से उसका मिलान किया। हम हैरान रह गए क्योंकि वो गरिमा ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसे पकड़कर कार में बिठाया। हमने उसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन गरिमा कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद ये किसी बात से बहुत ज्यादा डर गई है और इसीलिए बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रही। हम गरिमा को उसके घर पर ले गए। नैना ने दरवाजा खोला। गरिमा को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो गरिमा को अंदर लेकर गए, उसको पीने के लिए पानी दिया और उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन गरिमा कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, काफी रात हो गई थी, इसीलिए मैंने नैना को कहा हम गरिमा का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह फिर से आएंगे, और इतना कहकर हम दोनों वहां से चले गए। अगली सुबह मैं और तानिया दोनों टाइम पर वहां पर पहुंच गए। मैंने नैना को आवाज लगाई लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया लेकिन हमें वहां कोई नहीं मिला। तानिया को शक हुआ और उसने बताया कि हमें कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन सा कैमरा तानिया? तभी तानिया ने बोला कि कल रात जब गरिमा इस तरह अजीब बिहेव कर रही थी तो मैंने उन दोनों बहनों के कमरों में एक हिडन कैमरा लगा दिया था। जैसे ही तानिया ने मुझे ये बताया मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने इस काम के लिए तानिया को शाबाशी भी दी। फिर तानिया उन दोनों हिडन कैमरे को निकाल कर ले आई और पीसी से कनेक्ट कर दिया। रात को लगभग 2 बजे गरिमा उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरे में इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दूसरे कैमरे में रात दो बजे गरिमा नैना के कमरे में गई थी। गरिमा ने चुपके से नैना के पैर पकड़े और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था। फिर अगले दिन हम उसी वक्त रात 11 बजे उस घाटी के पास पहुंचे। हमने देखा कि वहां पर एक सुनसान जंगल भी था। हम उस जंगल के अंदर गए। हमने देखा कि वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी और जैसे ही हमने उसका चेहरा देखा तो वो लाश गरिमा की थी। जब गरिमा की लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो हमें पता चला कि ये लाश 5 दिन पहले की है और गरिमा और नैना तो अपने घर से कल ही गायब हुए थे। अब मुझे और तानिया को ये बात समझ आ गई थी कि जिस लड़की को हम गरिमा समझकर उसके घर लेकर गए थे वो गरिमा थी ही नहीं। हम अनजाने में ही किसी भयानक आत्मा को नैना के पास छोड़ आए थे और उसके बाद नैना का कभी कुछ पता नहीं चला। नैना जिंदा भी है या नहीं किसी को नहीं पता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, काली डायन। ये एक बहुत ही पुरानी बात है, जब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। ये कहानी भी एक कुएं से जुड़ी हुई है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। तो आखिर वो औरत डायन कैसे बनी, कैसे इस कुएं का पानी विष बन गया, चलिए साथ मिलकर कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक औरत थी जिसका कोई बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांज कहते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। वो लोग कहते थे कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन वो मुखिया की पत्नी थी इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। वो बातों ही बातों में उस मुखिया की पत्नी का हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वो बोली, आपको कैसे पता बाबा? तभी बाबा ने कहा, मैं हस्तरेखा में निपुण हूँ और हाथ देखकर हम ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तभी मुखिया की पत्नी बोली, अच्छा तो ये बताइए ना कि मुझे बच्चा कब होगा। बाबा ने कहा, देखो पुत्री,
भगवान ने तुम्हें एक बच्चा तो नहीं दिया है, पर मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। ध्यान से सुनो, अमावस की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दो, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोते हुए तुम्हें ये कहना है, हे प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो, और देख लेना तुम्हें अवश्य एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने ही देवरानी के लड़के की बलि दे दी और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ गई। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार कर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया है, तो ये बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उस बच्चे के सिर को धड़ से जोड़ा और फिर उसे नदी में बहाने की सलाह दी। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया और उस बच्चे की लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया होगा ये सब, आखिर ये सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया अपने घर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वो पहले तो अपने पति को ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे अभी ही उसे भी मार डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं, और जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर तुम्हें और भी ज्यादा खुशी होगी कि हमारा पुत्र इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी ऐसी हंसी सुनकर, उसकी बातें सुनकर मुखिया से रहा ही नहीं गया। उसने सोचा, ऐसी पत्नी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इसे जान से मार डालूं। और गुस्से में वो अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए तलवार लेने के लिए चला गया। वो पूरे घर में तलवार को ढूंढने लगा, पर उसे तलवार नहीं मिली। जब वो अपनी पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी के सारे कपड़े खून से लथपथ थे और वो तलवार भी वहीं पड़ी थी और उस पर खून लगा था। वो ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब कहीं न कहीं उसकी पत्नी ने ही किया है और पुत्र प्राप्ति के लिए उसने उसके भाई के लड़के की ही बलि दे दी है। अब मुखिया को बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अब मैं इसे जान से मार दूंगा, लेकिन अगर मैंने इसे अभी मारा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। ये सोचते हुए वो मुखिया वहाँ से चला गया। और उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी बहुत सारी घटना होने लगी। कभी किसी की गाय मर जाती, कभी किसी को मार डाला, कभी किसी को, और उनके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े रहते जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। किसी दिन कुत्ते की लाश मिलती, तो किसी दिन बछड़े की, तो कभी किसी की बकरी मर जाती, और सबको मारने का तरीका वही था। इस तरह की घटनाओं से सारा गाँव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई, वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। बहुत ही ज्यादा काली रात थी, वो चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। कहीं न कहीं मुखिया समझ गया कि हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं चलकर ये देखूं कि आखिर मेरी पत्नी जाती कहाँ है। वो उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के ही गाय का बछड़ा कटा हुआ पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींच कर पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है। उसकी लाश को वहाँ रख कर उसकी पत्नी ने फिर से वो शब्द दोहराए, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया ये सारी चीजें पास ही के एक नीम के पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। तभी एकदम से मुखिया देखता है कि चार काली परछाई वहाँ प्रकट हुई।
और देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून और उनकी आंखें भी ऐसे चमक रही थी जो अंदर ही अंदर खौफ पैदा कर रही थी। इतना ज्यादा भयानक दृश्य उस मुखिया ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी वो देखता है कि वो चारों आत्माएं और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब कुछ देखकर मुखिया के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। अब उसे पूरा पक्का यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी एक डायन है। तभी अचानक मुखिया ने सुना कि वो लोग कुछ बात कर रहे थे। उन चार आत्माओं में से एक आत्मा ने कहा, बस 3 दिन बाद फिर से अमावस है और उस दिन हमारी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तब हम तुम्हें हमारी सारी शक्तियाँ सौंप देंगे और उसके बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम इस पूरे गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। जब मुखिया ने ये सब कुछ सुना तो वो जाकर गांव वालों को जगाने लगा और उन सबसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी का कारण एक डायन है। ये सब कुछ एक डायन की वजह से हो रहा है और उसने सबसे कहा कि तुम अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ, आज हम सब मिलकर उस डायन का अंत कर देंगे। और सब भागते हुए उस पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। जब सारे गांव वाले वहां पहुंचे तो अचानक से वो चारों साए गायब हो गए, लेकिन वो डायन वही खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के होश उड़ गए और वो वही रुक गए, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो गए, ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागने लगी और भागते भागते न जाने कब वो एक कुएं में जाकर गिर गई, लेकिन उसकी साड़ी ऊपर ही अटक गई। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन सारे गांव वालों ने कहा कि इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसे इसी तरह लटकने दो, चिल्लाने दो। और मुखिया की पत्नी इसी तरह चिल्लाती रही, लेकिन सारे गांव वाले बस उसका तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, अरे कोई तो मेरी सहायता करो, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब वो बार बार बस यही कह रही थी कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी, एक एक को अगर मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं, यही नाम दिया है ना तुम लोगों ने मुझे, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये काली डायन क्या क्या कर सकती है, तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। इसी तरह चीखते चिल्लाते हुए आखिरकार मुखिया की पत्नी मर गई। 2 दिन तक उसकी लाश बस यूं ही कुएं में लटकती रही। 3रे दिन अमावस की रात थी। उस दिन की रात के बाद उसकी लाश का कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसकी लाश कहाँ गई, जबकि पूरा कुआं बिल्कुल सूख चुका था। अब उस बात को काफी वक्त गुजर चुका था। धीरे धीरे लोग उसके बारे में भूलने लगे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाजें आती है और वहाँ वही सारी बातें सुनाई देती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए भी तड़पा दूंगी। कभी रात में जोर जोर से मंत्रों की आवाजें आने लगती। अब उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा कि जब तक उस काली डायन का शरीर जल नहीं जाता तब तक उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी अचानक से सूख गया। अब वो लोग परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव के सभी कुओं का पानी सूखने लगा, लेकिन जिस कुएं में वो काली डायन मरी थी वो कुआं पानी से भर गया। ये आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसी ने ये सब कुछ किया हो। कुछ लोग कह रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस बात को तो बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ से आएगी। और ये सोचकर कुछ गांव वाले कहने लगे कि अब हम इसी कुएं में से पानी खींच कर पी लिया करेंगे, क्योंकि गांव के सिर्फ इसी कुएं में पानी है। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा कि चलो चलकर पानी खींचते हैं, और जैसे ही वो लोग कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी ही नहीं था। ये देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर पानी कहाँ गया, कल रात तक तो यहाँ पानी था। तभी उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कहा था ना पानी के लिए भी तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था ना तुम लोगों ने। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर कहने लगी, मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी, यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा,
अब तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब उनके पास धीरे धीरे पानी पूरी तरह से खत्म होने लगा था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब गांव वालों के पास पानी खत्म हो गया तो अब उन्हें दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण उनके गांव के सारे कुएं सूखने लगे थे। तभी अचानक उस दूसरे गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और उन्हें कहा कि आज तो वो काली डायन तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन अगर मैंने तुम गांव वालों की मदद की तो क्या पता वो हमारे गांव में आकर हमें परेशान करने लगी, तो हम तुम्हारे कर्मों की सजा क्यों भोगे? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम अपने दुखों को भोगो और यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद हमारे गांव में कभी कदम भी मत रखना, हम तुम्हें अब पानी नहीं दे सकते। और इतना कहकर दूसरे गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया। तभी अचानक जिस कुएं में वो काली डायन मरी थी उस कुएं में कभी कभार पानी आ जाता और कभी अचानक उसमें से पानी गायब हो जाता। जब गांव वाले प्यास से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे तो कुछ लोगों ने उस कुएं में से पानी खींच कर पी लिया, और जैसे ही उन्होंने उस पानी को पिया तो उनका शरीर पूरी तरह से सड़ने लगा। किसी को चरम रोग हो गया तो किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर कुछ लोगों ने तो उस कुएं को छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की दशा बहुत ज्यादा खराब होने लगी। गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में जैसे मातम सा छा गया था। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आया। सभी गांव वालों ने उस बाबा को आते हुए देखा और सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। तभी बाबा ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। फिर बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे शिष्य की भी आवश्यकता होगी। कल मैं अपने शिष्य के साथ यहाँ फिर से आऊंगा। आप लोग धैर्य रखिए और मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कल अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही वो बाबा अपने शिष्य के साथ उस गांव में पहुँचे। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, जाओ कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा, सुनो तुम्हें इस कुएं के बिल्कुल अंदर तक जाना है और तुम ही उस काली डायन का अंत करोगे, लेकिन हाँ तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें इस कुएं की बिल्कुल गहराई तक जाना है, मतलब इस कुएं के तल तक पहुंचना है, और ध्यान रहे ये काम तुम्हें सूरज डूबने से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बात और, तुम्हें सबसे पहले उस काली डायन के बाल काटने हैं, जिससे वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी, और जब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब ये खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें इससे उसे मार देना है, और उसके बाद तुम्हें उसके शरीर को जला देना है। तब तक मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य सब कुछ समझ गया, लेकिन तभी कुछ गाँव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में तो पानी है, फिर उसकी लाश आप कैसे जलाओगे? तभी बाबा ने कहा, कुएं के तल में पानी नहीं है, वहाँ पर वो अपना एक घर बनाकर रह रही है। गांव वालों को बाबा की आधी ही बात समझ आई। फिर बाबा ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और उसके बाद बाबा ने अपने शिष्य से कहा, अब तुम बिल्कुल भी देर मत करो और जल्दी से कुएं के अंदर जाओ। इधर वो शिष्य धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगा और यहाँ बाबा बाहर मंत्रों से यज्ञ करने लगे। तभी उसके शिष्य ने देखा कि अंदर तो काफी बड़ा खंडहर था और कहीं से जोर जोर से मंत्रों की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही वो बिल्कुल अंदर जाकर देखता है तो बाल बिखरे हुए एक औरत आग जलाकर बैठी थी और कुछ मंत्रोच्चारण कर रही थी। जैसे ही वो शिष्य उसके पास पहुँचा तो उस काली डायन को पता चल गया कि कोई तो यहाँ आया है। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उस शिष्य ने कहा, मैं गांव वालों की तरफ से आया हूँ, मुझे मेरे गुरु ने भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो काली डायन जोर जोर से हंसने लगी, तू मुझे मारेगा या तू खुद मरेगा?
तो जैसे साधारण मनुष्य को उन गांव वालों ने भेजा है मुझे मारने के लिए। देख, मेरी दुश्मनी उन गांव वालों से है, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी उस शिष्य ने कहा, अच्छा तुम मुझे मारोगी या मैं तुम्हें मारूंगा? ये बात मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस गांव को छोड़कर और इस कुएं को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। इतना कहकर वो शिष्य उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एकदम से वो काली डायन गायब हो गई। लेकिन उस शिष्य को अब भी उस काली डायन की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे वो नजर ही नहीं आ रही थी, तो आखिर वो उसे कैसे मारेगा। तभी अचानक शिष्य के पीछे से एक जोरदार वार हुआ और उसका सिर दीवार से जा टकराया और वो वही बेहोश हो गया। तभी उसी बेहोशी की हालत में उस शिष्य को अपने गुरु की आवाज सुनाई दी, तेरे पास इतनी शक्ति है तो उस काले डायन को देख सकता है, अपनी शक्तियों का उपयोग कर और तुझे सब कुछ नजर आने लगेगा। अपने गुरु की बातें सुनकर शिष्य को दोबारा हिम्मत आने लगी और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जैसे ही देखना चाहा तो उसे वो काली डायन दीवार से छुपी हुई नजर आ गई और अब उसे उसके लंबे बाल भी नजर आ रहे थे। और तभी उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आई और उसने झट से उस काली डायन के बाल काट दिए और उसे मारने के लिए जैसे ही खंजर उठाया तो वो शिष्य के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। देखो, तुम्हारे पास तो हथियार है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। और वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि बाल कटने की वजह से अब उसकी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थी। तभी अचानक उस शिष्य को न जाने क्यों उस डायन पर दया आने लगी। उसने सोचा, अगर ये माफी मांग रही है तो इसे छोड़ देता हूँ ना, क्यों मारूं मैं इसे। तभी अचानक उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आती है, उन गांव वालों का दुख याद आता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये पूरे गांव वालों को मार देगी। और ये सोचते हुए ही उसने बिना देर करते हुए उस खंजर से उस डायन को मार दिया और उस अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। अब उस डायन की आत्मा चीखती चिल्लाती हुई कहने लगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, और उस कुएं के ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने उस काली डायन की आत्मा को देखा तो वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। डर के मारे सभी कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसकी आत्मा को बाहर जाते हुए देखा। तभी बाबा ने कहा, देखो अब तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब वो तुम लोगों का कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तभी वो शिष्य भी कुएं से बाहर आ गया। सभी गांव वाले उस शिष्य के चरणों में गिर पड़े और उसे कहने लगे, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हम सब लोगों का क्या होता। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम सब खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का धन्यवाद दिया। और तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। अब तो गांव वाले खुशी से झूम उठे और उसके बाद उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक खंडर सी बिल्डिंग में एक लड़की ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी। शायद उस बिल्डिंग के सीढ़ियों का अंत नर्क पर जाकर होता था। तभी एक दरवाजे के सामने पहुंचते ही द्वार से एक हाथ बाहर निकलता है और उस लड़की को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम टू हेल, और गरिमा की नींद एक भयानक सपने के साथ खुल जाती है। सुबह के 6 बज चुके थे। आज सेंसर बोर्ड की ऑफिस में जॉइनिंग का पहला दिन था। गरिमा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। केंद्रीय फिल्म बोर्ड में गरिमा की जॉइनिंग का आज पहला दिन था। लिफ्ट में किसी वजह से गड़बड़ थी, जिसके चलते उसे अपने ऑफिस तक, जो कि 6th फ्लोर पर था, पैदल ही चढ़कर जाना था। गरिमा ने अभी 4 फ्लोर ही चढ़े होंगे कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है,
ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दीदी कहकर बुला रहा है। मगर जैसे ही गरिमा पलट कर देखती है, पीछे कोई दिखाई नहीं देता। और तभी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कोई चीज बेहद रफ्तार के साथ, तड़ाम की आवाज के साथ ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है। गरिमा सीढ़ियों से नीचे झांकती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो इस घटना को सीरियसली नहीं लेती। अभी उसकी बहन प्रिया की मौत हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वो इसे अपने मन का वहम समझकर अनदेखा कर देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। दोपहर का वक्त, गरिमा अपने कैबिन में अकेली कुछ फिल्मों की काट छांट का मुआयना कर रही थी कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कमरे में रखे पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ पन्ने कांच की खिड़की पर जाकर चिपक जाते हैं। गरिमा पन्ने इकट्ठा करने के लिए जैसे ही खिड़की के पास जाती है, खिड़की के कांच पर एक जख्मी लड़की तड़पती हुई हाथ मारती है, जिसे देखकर गरिमा बहुत डर जाती है। वो घायल लड़की गरिमा से कुछ कहना चाहती है, मगर गरिमा इतना ज्यादा डरी हुई होती है कि वो चीख पड़ती है। तभी वॉचमैन दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या हुआ मेम साहब, आप ठीक तो है ना? तभी गरिमा कहती है, आई एम ओके, और वॉचमैन वहां से चला जाता है। शाम का वक्त था, आसमान का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जोरों की बारिश होने वाली थी। जनरल मीटिंग में कुछ फिल्म्स और सीरियल्स के सीन कट करने के बाद कुछ की फाइनल एडिटिंग अभी बाकी थी कि तभी जाने माने प्रोड्यूसर मल्होत्रा क्रिएशंस के असिस्टेंट का फोन आ जाता है। गरिमा फोन उठाती है और वो शख्स बोलता है, मैं मल्होत्रा साहब का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। सर ने पिछले फ्राइडे की पेज 3 की पार्टी में आपका काफी वेट किया, मगर आप आई नहीं। गरिमा ने जवाब दिया, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। उधर से जवाब आया, मैडम वो मल्होत्रा क्रिएशंस की जो फिल्म है, जरा आराम से एडिट कीजिएगा। अब आप तो अच्छी तरह से जानती है कि मार्केट में जो बिकता है वही हम बनाते हैं। गरिमा कहती है, देखिए मिस्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा, और आप ज्यादा चापलूसी बताने की कोशिश मत कीजिए। सामने से जवाब आता है, मैडम इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, कुछ ले देकर एडिटिंग रुकवा दीजिए ना। गरिमा कहती है, आप तो बहुत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं। लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, और फोन कट हो जाता है। गरिमा कुछ मूवीज की कॉपी कलेक्ट कर रही थी कि उसे हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म की कॉपी मिल जाती है। वो उसे भी अपने पेन ड्राइव में ले लेती है और ऑफिस से घर चली आती है। चलिए तो अब चलते हैं गरिमा के घर। दीवार पर लगी टीवी पर एक फिल्म चल रही है। गरिमा कुर्सी पर बैठी है, सामने टी टेबल पर विस्की का ग्लास अभी भी आधा भरा हुआ था। तभी रसोई से आवाज आती है, मैं जाती है मेम साहब, कल सुबह को आएगी, आप अपना ख्याल रखना, खाना रख दिया है और खाना खा लेना, कल की तरह भूखा मत सो जाना। रजामंदी में गरिमा सिर हिला देती है, आप भी नशीला ताई। ये कहती हुई वो विस्की का एक घूंट पीती है और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। फिर अचानक रूम की लाइट्स बंद चालू होने लगती है, टीवी पर चल रही फिल्म झिलमिलाने लग जाती है। तभी गरिमा की आंख खुलती है, सामने टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा था उसे देखकर गरिमा
हैरान रह जाती है। एक लड़की सीढ़ियों से सेंसर बोर्ड के सातवें माले के पास खड़ी होकर शराब पी रही है कि अचानक वो लड़की सातवें माले से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर तड़ाम से गिर जाती है। तभी गरिमा के मुंह से एक नाम प्रिया का निकल पड़ता है और गरिमा रोने लग जाती है। स्क्रीन पर दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि गरिमा की छोटी बहन प्रिया थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। चलिए तो प्रिया के बारे में और प्रिया की मौत के बारे में जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दोनों लखनऊ में पले बड़े, वहीं उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गरिमा फाइन आर्ट से थी। उसकी मुंबई की एक प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जॉब लग गई थी और गरिमा अब मुंबई में रहने लगी। प्रिया को एक्टिंग का बहुत शौक था। उसने थिएटर ज्वाइन किया हुआ था। काफी मंजी हुई कलाकार थी वो। गरिमा के प्रोडक्शन हाउस में उन दिनों सीरियल की कास्टिंग चल रही थी। गरिमा ने प्रिया को मुंबई बुलवा लिया। प्रिया ने भी ऑडिशन दे दिया और वो सेलेक्ट हो गई। उन दिनों गिने चुने ही चैनल्स हुआ करते थे। प्रिया काफी टैलेंटेड थी। धीरे धीरे वो दूसरे सीरियल्स में भी आती गई। इसी तरह मेहनत और लगन के दम पर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब प्रिया फिल्म में एंट्री कर गई। अब वो एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। बड़ी बड़ी पेज थ्री की पार्टी में जाना, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ाना, ये उसका शौक बन गया था। वही कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ऐसी उथल पुथल मच रही थी कि जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। प्रिया के स्टारडम की वजह से कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को अपने बेटी बेटियों को लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते प्रिया पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अब खुद आर्टिस्ट के रोल करे और उसके हाथ से कई बड़े बड़े बैनर की फिल्म्स छीन ली गई। गरिमा इन सब गतिविधियों से भली भांति अवगत थी। बात उन दिनों की है जब एक सेमिनार के लिए गरिमा को लंदन जाना पड़ा और लंदन एक्सप्रेस न्यूज में गरिमा को प्रिया की मौत की खबर छापने को मिलती है, जिसकी हेडलाइंस में लिखा था, मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रिया ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर की आत्महत्या। इस खबर को पढ़कर गरिमा शॉक हो जाती है। चलिए तो अब हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। मल्होत्रा क्रिएशंस के ऑफिस का वो रूम जो कास्टिंग काउच के लिए मशहूर था, रात के 12 बज चुके थे। घर से बार बार बीवी का फोन आ रहा था मगर मल्होत्रा साहब को फोन रिसीव करने का वक्त ही नहीं था। मल्होत्रा साहब फ्लैट में अकेले ही बचे थे, शायद बहुत ज्यादा टेंशन में थे। अगले शुक्रवार उनकी मूवी का प्रीमियर था जो कि अभी सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी। उनके चहेते नेता पांडे साहब भी अब मंत्री पद पर नहीं रहे थे। वो रहते तो कुछ ले देकर उनकी फिल्म सेंसर की काट छाट से बच पाती, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खास बात तो ये थी कि इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, जिसे एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती थी। खैर, मल्होत्रा साहब कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ सोच ही रहे थे कि तभी रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मल्होत्रा शराब के नशे में बिना कुछ देखे ही बोल पड़ता है, डोंट डिस्टर्ब मी, और दरवाजा तड़ाम से बंद हो जाता है। तभी रूम की लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है। मल्होत्रा घबराता है, वो वॉचमैन को आवाज लगाता है मगर उसकी आवाज वहां सुनने वाला अब कोई था ही नहीं। अचानक मल्होत्रा जैसे ही पलटता है, सामने खून से लथपथ सफेद साड़ी में
प्रिया को देखकर डर जाता है। वो प्रिया से कहता है, तुम नहीं, तुम तो मर चुकी थी ना। मगर प्रिया कोई जवाब नहीं देती। वो मल्होत्रा की गर्दन पकड़कर सीलिंग की ऊंचाई तक उठा देती है और सामने दीवार पर लगी टीवी पर पटक देती है, जिससे टीवी की स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है और मल्होत्रा का जिस्म लहू लुहान हो जाता है। मल्होत्रा हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है, मगर प्रिया कुछ नहीं सुनती। इस बार वो उसे खिड़की की तरफ फेंकती है और खिड़की का कांच टूट जाता है, जिससे मल्होत्रा का शरीर सीधा जाकर गार्डन की जमीन पर गिरता है। बिल्डिंग में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है और जांच पड़ताल करती है। गरिमा सुबह जब न्यूज चैनल्स में मल्होत्रा की मौत की खबर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मल्होत्रा जैसा बदतमीज और खराब प्रोड्यूसर इतनी आसानी से आत्महत्या भी कर सकता है। खैर, दिन गुजरते चले गए। शर्मा फिल्म एंड कंबाइंस की एक फिल्म पर किसी राइटर ने कॉपीराइट एक्ट के तहत केस ठोक रखा था। क्योंकि वो राइटर बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए शर्मा ने पहले उसे ले देकर चुप रहने के लिए कहा। जब बात नहीं बनी तो उसने अपने वकील के माध्यम से उसका केस ही खारिज करवा दिया। अब वो बेधड़क अपनी फिल्म से कमाई कर रहा था। ये बात गरिमा को पता थी, मगर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। उसने फिल्म को रोकने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलाई, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया और गरिमा अकेली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऑफिस का काम खत्म करके शर्मा का फार्म हाउस जाने का प्लान था। वो अकेला ही जुहू से वसई के लिए रवाना हो रहा था। शाम ढल चुकी थी। कार में धीमा धीमा एफएम का साउंड बज रहा था। अंधेरा होने वाला था। तभी सामने से आ रहे ट्रक की लाइट शर्मा की कार पर पड़ती है। सामने वाले मिरर में पिछली सीट पर बैठी खून से लथपथ प्रिया उसे दिखाई देती है। शर्मा डर जाता है। वो कार को और तेज भगाता है। तभी प्रिया पिछली सीट से बाजू वाली अगली सीट पर आ जाती है, जिससे शर्मा पसीना पसीना हो जाता है और हड़बड़ाहट में शर्मा की कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है और कार जलकर राख हो जाती है। इधर न्यूज चैनल्स में हादसे में हुए शर्मा फिल्म्स के प्रोड्यूसर की मौत की खबर चलने लगती है। न्यूज देखकर गरिमा को आश्चर्य होता है। वो कहती है, I can't believe it, ये कैसे हो सकता है? इतना बुरा इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? उसी रात गरिमा गहरी नींद में सो रही थी, मगर आज फिर वो वही सपना देखती है। एक खंडर सी बिल्डिंग में एक लड़की ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़े जा रही थी। शायद उस बिल्डिंग की सीढ़ियों का अंत नरक पर जाकर होता था। तभी एक दरवाजे के सामने पहुंचते ही द्वार से एक हाथ बाहर निकलता है और उस लड़की को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम टू हेल। लेकिन आज गरिमा की नींद नहीं खुलती, बल्कि उस हेल वाले फ्लोर पर चल रही बॉलीवुड की आलीशान पार्टी तक पहुंच जाती है, जहां नशे में डूबे फिल्मी सितारे, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी और कॉरपोरेट जगत की जानी मानी हस्तियां शामिल थी। कई नए तरह के नशे की लॉन्चिंग के लिए टीनेजर्स मॉडल्स को भी इनवाइट किया गया था। इन्हीं पार्टीज के बीच आगे चलते चलते गरिमा को एक ऐसा कमरा भी दिखाई देता है, जहां रेड लाइट्स में कुछ जाने माने प्रोड्यूसर्स मल्होत्रा, शर्मा,
जैसे कॉर्पोरेट जगत की जानी मानी हस्तियों के बीच कुछ जरूरी बात पर बहस चल रही थी और वहाँ प्रिया भी मौजूद थी। सभी प्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे मगर प्रिया उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हॉल से लगभग सभी लोग जा चुके थे। मीटिंग रूम से भी एक एक करके लोग निकल रहे थे। प्रिया भी नशे में चूर लड़खड़ाती हुई रूम से बाहर निकल रही थी मगर लिफ्ट को वापस आने में लेट होने की वजह से वो थोड़ा सीढ़ियों के पास रुक जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांकती है और तभी पीछे से एक शख्स प्रिया को सीढ़ियों से सीधा नीचे फेंक देता है और एक भयानक चीख के साथ गरिमा की नींद खुल जाती है। गरिमा पसीना पसीना हो जाती है। इस सपने के बाद गरिमा ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहेगी। वो उस पार्टी के रियल फुटेज ढूंढने के लिए मीडिया पर जोर बनाती है और अंत में काफी प्रयासों के बाद उसे वो फुटेज मिल जाती है। गरिमा अपनी बहन प्रिया के मर्डर केस को रीओपन करवाती है मगर कोर्ट में वीडियो फुटेज से कुछ खास साबित नहीं हो पाता और अंत में सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस घटना से गरिमा अंदर तक टूट जाती है। एक शाम टेरेस पर बैठी वो कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नजर टीवी पर चल रहे म्यूजिक चैनल के एक एड पर पड़ती है जिसमें उसे प्रिया का फ्रेंड अमन दिखाई देता है जिसकी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म आने वाली थी। गरिमा को लगता है कि ये लड़का प्रिया के साथ लखनऊ में थिएटर करता था। अचानक इतनी बड़ी फिल्म इसे कैसे मिल गई? वो अमन की फेसबुक प्रोफाइल को चेक करती है जिसमें उसे प्रिया के साथ उसके फुटेज मिलते हैं। कहीं न कहीं गरिमा को ये शक होने लगता है कि हो ना हो प्रिया की मौत में अमन का ही हाथ है। वो अमन को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करती है और उसे अपनी ऑफिस में बुलाती है। अमन पहले मिलने में आनाकानी करता है मगर जब गरिमा उसे ये कहती है कि तुम्हारी फिल्म की रिलीजिंग में कुछ अड़चन है तब वो गरिमा से मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब चलते हैं गरिमा के ऑफिस में। सामने अमन कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा है। गरिमा एक बार फिर उसे मुबारकबाद देती है और कहती है, इतनी आसानी से तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म मिल गई? ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। आखिर ये कैसे हुआ? मुझे तो जानकर ही आश्चर्य हो रहा है। लेकिन अमन कुछ नहीं बोलता। तुम लखनऊ में प्रिया के साथ ही थिएटर करते थे ना? तुम तो शुरू से ही प्रिया को अच्छे से जानते हो। प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम जानते हो प्रिया की मौत के बारे में? अमन कहता है, मेरा प्रिया से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। गरिमा कहती है, देखो अमन, मुझे पता है उस रात पार्टी में प्रिया के साथ तुम भी थे जिस रात प्रिया की मौत हुई। हाँ, मैंने कहा मना किया कि मैं नहीं था। मैं उस पार्टी में था मगर मैं तो बहुत पहले ही चला आया था। गरिमा कहती है, झूठ मत बोलो अमन, तुम पहले नहीं आए थे। तुम्हें रोका गया था। तुम छुपे हुए थे उस रूम में जहाँ प्रिया ने तुम्हारी प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग करवाई थी। क्या हुआ था उस मीटिंग में? मुझे सच सच बताओ। अमन अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और अपनी कुर्सी से उठ जाता है और हंसने लगता है और कहता है, क्या कर लोगी तुम? हाँ, प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर मैंने ही मरवाया है प्रिया को। कॉर्पोरेट जगत के लिए उनकी आंखों का कांटा बन गई थी वो। उसके भाव सातवें आसमान पर थे। बहुत सारे लोगों का करियर चौपट कर रखा था तुम्हारी बहन ने। मर गई ना, अब सब शांत हो गया। वैसे क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या बिगाड़ लोगी तुम? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। किसी का भी करियर बनाना बिगाड़ना इनके लिए दो मिनट का काम है। बहुत छोटे लोग हो तुम। अगर तुम्हें प्रिया को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें भी प्रिया के पास जाना होगा। गरिमा, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो जो तुम्हें
नहीं जानना चाहिए था। और इतना कहकर वो जेब में रखी रिवॉल्वर को गरिमा के सिर पर रख देता है। तभी रूम की खिड़कियां एक भयानक झोंके के साथ अपने आप खुल जाती है और सामने दिखती है प्रिया की वो भटकती हुई आत्मा, जो बरसों से अपने गुनहगारों को तलाश रही थी। प्रिया को देखकर अमन बुरी तरह से कांप उठता है। प्रिया अमन की रिवॉल्वर लेकर उसी के सिर पर तान देती है और ट्रिगर दबते ही गोली अमन के भेजे को चीरती हुई खिड़की से बाहर चली जाती है। इसके बाद धड़ाम से अमन का जिस्म फर्श पर गिर जाता है। लोग आते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, जांच पड़ताल होती है और दूसरे दिन अखबार में छपता है, उभरते हुए कलाकार अमन ने खुद को ही मारी गोली। आखिर क्या कारण था कि अमन ने की आत्महत्या? कुछ दिनों तक हर न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में अमन की मौत की खबर चलती रहती है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। प्रिया ने अपने सभी कातिलों को मार दिया था और अब प्रिया को इंसाफ मिल चुका था और उसके बाद गरिमा को भी कभी वैसे सपने दोबारा नहीं आए। अब गरिमा को भी ये सुकून था कि उसकी बहन को इंसाफ मिल चुका है और उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। मोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक दीपक और नैना नाम के पति पत्नी रहते थे। दीपक सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। दीपक ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेकर चलता हूँ। तो उसे वहाँ खूब सारी ताजी सब्जियां दिखाई थी, उसने उन्हें खरीद लिया और घर आ गया। इसके अलावा और भी कुछ सामान था जो उसे लेना था, उसने वो ले लिया और अपने घर आ गया। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला, काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था तो उसने सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो काफी रात हो जाएगी, इसीलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो जंगल की ओर अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। काफी अंधेरा हो चुका था और दीपक तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और दीपक ने झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोक दिया। दीपक उस औरत को देख रहा था। वो औरत बड़ा सा घूंघट डालकर उसके सामने खड़ी थी और जोर जोर से रो रही थी। दीपक उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वो दीपक के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। दीपक ने सोचा, शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसीलिए उसने सोचा कि इस औरत की मुझे मदद करनी चाहिए। फिर दीपक ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो दीपक के साथ उसके घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। उसने अपना सिर अभी भी घूंघट से ढक रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी ज्यादा रात हो गई थी। घर पर दीपक की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई थी, वैसे ही नैना दौड़कर बाहर आ गई। उसने दीपक के साथ उस औरत को देखा तो उसने पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? दीपक ने सारी कहानी नैना को बताई। नैना की तबीयत थोड़ी खराब थी,
इसीलिए आज वो खाना नहीं बना पाई थी। तो दीपक ने उससे कहा, एक काम करो, तुम आराम करो, आज का खाना मैं उसे बनाने के लिए कह देता हूँ, शायद वो बना दे। लेकिन नैना को वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से मेरे घर का सामान चुराने आई है। लेकिन नैना ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इसे खाना बनाने के लिए बोल तो देती हूँ, पर इसका ध्यान रखूंगी कि कहीं ये कुछ चुरा न ले। फिर नैना ने उस औरत को रसोई घर दिखाया और उसे बोला, देखो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना दो प्लीज। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली गई और वो औरत बिना कुछ बोले ही रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आने लगी। नैना उस आवाज को सुनकर ये सोचने लगी कि ये कैसी आवाजें हैं। फिर उसने सोचा, शायद मौसम खराब है इस वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब नैना 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो उसने देखा वो औरत चुपचाप बैठी ही थी। नैना को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और नैना चिल्लाकर बोली, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो तुम मुझे बोल देती, तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ ना, हमें भूख लग रही है। उस औरत ने कुछ भी जवाब ही नहीं दिया और चुपचाप बस अपना चेहरा ढककर बैठी रही। नैना ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की लेकिन वो नहीं देख पा रही थी। नैना ने फिर से उससे कहा, चलो अब तुम जल्दी से खाना बना लो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसीलिए मैंने तुमसे कहा है, देखो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बोल देना। लेकिन फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। नैना को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है इसीलिए शायद बात नहीं कर रही। नैना रसोई से चली गई लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर से वापस रसोई में आई तो रसोई का दृश्य देखकर नैना बुरी तरह डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर चूहों को मारकर खा रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे। उसके नाखून भी बहुत ज्यादा काले थे। वो चूहों को खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो नैना को देख ही नहीं पा रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और अब उसके मुंह से खून टपक रहा था। पूरी रसोई में हर जगह मांस ही मांस बिखरा हुआ था। गंदी दुर्गंध आने लगी थी। नैना उसे देखकर नहीं चिल्लाई क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने उसे देख लिया है तो कहीं वो और ज्यादा खतरनाक रूप ना बना ले। नैना ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर वो गरम कोयला फेंक दिया। आग के जलन की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। नैना ने उसे आग दिखा दिखा कर अपने घर से बाहर निकाला और उस आग के डर से वो डायन सीधा जंगल की ओर भाग गई और उसके बाद वापस कभी उस गांव में नहीं आई। दीपक को ये नहीं पता था कि जिस औरत की वो मदद करने के लिए उसे अपने घर लाया था असल में वो एक डायन थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी कहानियाँ मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करके सपोर्ट करें।